हेलो ऑरेंज शुड में एक ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लास 10th का, और बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें प्रूव करना 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो देखिए सबसे पहले इसका करने का मेथड क्या है, इसको हम एक रेशनल नंबर मान के चलेंगे। लेट करते हैं, लेट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, हमने इसका उल्टा मानना है। हम इरेशनल प्रूव करना, लेकिन हम इसको रेशनल नंबर मान के चल रहे हैं और रेशनल नंबर मान के चलेंगे। तो देखिए ये नंबर क्या होगा, ये नंबर होगा पी बाई क्यू के बराबर, क्योंकि किसी रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं। पी और क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, जेड का मतलब होता है इंटीजर, और क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमारी आ गई है, यहाँ से हम क्या करेंगे, √5 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए क्या होगा, ये जो 3 है, ये जो 3 है उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो गया। अब इसका मैं अगर एलसीएम ले लेता हूँ तो ये यहाँ इसके नीचे 1 है, तो यहाँ से मेरे को मिलेगा p − 3q। अब अगर मैं √5 की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो p − 3q/2q मेरे को मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हमें पता है बिकॉज p और q क्या थे, p और q आर इंटीजर, हमने माना था ये इंटीजर है p और q, ठीक है, इसलिए क्या होगा, p − 3q जो है, यानी कि ये ऊपर वाली जो चीज है ये भी एक इंटीजर होगी और 2q भी एक इंटीजर ही होगी। इंटीजर का मतलब होता है कंप्लीट नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, -1। ये तो ये जब ये वाली चीज भी इंटीजर होगी, ये वाली चीज भी इंटीजर होगी, तो पूरा ये जो चीज है ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। देयर फोर p − 3q/2q इज रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से, यानी कि इस इक्वेशन नंबर 1 से, अगर ये इसकी राइट हैंड साइड रेशनल नंबर है तो ये भी चीज रेशनल नंबर होनी चाहिए। तो मैं बोलूंगा सो फ्रॉम इक्वेशन वन से अंडर रूट फाइव शुड बी रेशनल नंबर। तो अंडर रूट फाइव रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन असली में ऐसा थोड़ी ना होता, अंडर रूट फाइव तो इरेशनल नंबर है, हमको पहले ही पता है, बट अंडर रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, बट अंडर रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, ये हमें पता है कि अंडर रूट फाइव इरेशनल नंबर होता है। सो इट मीन्स अवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। सो इट मीन्स इसका मतलब हमारी अजम्पशन जो थी वो रॉन्ग थी। हमने अज्यूम क्या किया था, हमने अज्यूम किया था इसको कि ये एक रेशनल नंबर है जबकि ये है इरेशनल, ठीक है, तो इसलिए हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी। तो थोड़ा सा थ्योरी भी हमें लिखनी है। देयर फोर जो क्वेश्चन दिया गया था 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, तो ये चीज हमें प्रूव करनी थी, ये हमने प्रूव कर दी, और सीबीएसई बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 से 3 मार्क्स के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार के एजुकेशन वीडियो लगातार संपर्क में रहें। थैंक्स।